प्रत्याशी आज भाग्य को आधार मानकर कोई बहुत बड़ा फैसला ना करे या आर्थिक मुद्दे पर जोखिम ना उठाए, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में यथावत सामान्य रूप से अपने कार्य करते रहे, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, सहकर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाने का प्रयास करें, आपकी विचारधारा और कार्यप्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन लाए। दिन पूरा होने तक शायद आज आपको आपकी योग्यता और परिश्रम के अनुसार लाभ ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रामाणिकता और निष्ठा से आपके द्वारा आज किए गए कार्यों का अनुभव भविष्य में आपको मिलने वाले लाभदायी अवसर का लाभ उठाने में मददगार साबित होंगे। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है, जहाँ तक संभव हो आज किसी भी प्रकार का निवेश ना करें और यदि संभव हो तो आज किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक लेन देन ना करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, परिवारजनों के साथ पुरानी समस्याएं समाप्त होगी, संतान से जुड़ी हुई कोई बहुत पुरानी समस्या आज समाप्त हो सकती है, माता से भी पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा मनमुटाव समाप्त हो सकता है। बहुत लंबे अंतराल के बाद पूरे परिवार के साथ आज आप कुछ समय बिताए, ऐसे सकारात्मक ग्रहयोग बने हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी आज आप भाग्यशाली साबित होंगे। शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या हो ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन मानसिक तौर पर आप जरूरत से ज्यादा उम्र और योग्य दिख सकते हो। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाए, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने की कोशिश करें। बुजुर्गों के लिए, विद्यार्थी वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए दिन लाभदायक साबित होगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन